नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शहर के शीतलकुंड बालाजी मंदिर रोड मार्ग पर स्थित श्री राम मंदिर के सामने चल रहे भूमि विवाद पर अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भूमि को कुर्क कर दिया है और कुर्की के आदेश भूमि की दीवारों पर अंकित किए हैं। कुर्क करने के साथ ही भूमि का रिसीवर डीडवाना थानाधिकारी को नियुक्त किया है। कुर्क मामले को लेकर डीडवाना थानाधिकारी नंदलाल रिणवा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम मंदिर के सामने स्थित दो प्लॉटों को लेकर एक मामला दर्ज किया गया था, उसकी जाँच की जा रही है। जाँच के दौरान वहाँ कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य शुरू किया गया और निर्माण को मौके पर जाकर रुकवाया गया। विवाद को लेकर किसी तरह की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग ना हो, किसी प्रकार का अनाधिकृत अतिक्रमण ना हो, इसको लेकर उपखंड अधिकारी को अवगत करवाया। उपखंड अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए भूमि को कुर्क करते हुए डीडवाना थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया। भूमि पर थानाधिकारी का बोर्ड लगवाकर भूमि को कब्जे में ले लिया। लगातार अनुसंधान जारी है, निष्पक्ष अनुसंधान होगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास ये जो श्री राम मंदिर के पास में दो प्लॉट है उसको लेके मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी तफ्तीश हमारे द्वारा की जा रही है। इसी तफ्तीश के दरमियान वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसको हमने मौके पर जाके रुकवाया और उसको रिसीवरी नियुक्त करने के लिए, ताकि कोई कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग नहीं हो और किसी प्रकार का अनाधिकृत अतिक्रमण नहीं हो, इसलिए हमने वहाँ पे SDM साहब को एप्लीकेशन देके उसको रिसीवरी नियुक्त करवाई, जिसमें उन्होंने थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त करवाया। इस पर हमने उस भूमि पे थानाधिकारी का बोर्ड लगवा के और उसको हमारे कब्जे में लिया है और उसमें अनुसंधान जारी है। जो भी निष्पक्ष अनुसंधान होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।